सो गाइज, अगर आप सोल्डरिंग करते हैं और आपको सोल्डरिंग वायर के बारे में ही नहीं पता है तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होती है सोल्डरिंग वायर और इसे हम घर में कैसे बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधुर शर्मा, करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप और भी इसी तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्डरिंग वायर के बारे में। सो गाइस, सोल्डरिंग वायर होता है फ्यूजिबल अलॉय। जी हाँ दोस्तों, फ्यूजिबल अलॉय का मतलब होता है एक ऐसा मेटल अलॉय जो आसानी से मेल्ट हो जाए। जी हाँ, जो आसानी से पिघल जाए। इसीलिए हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्योर मेटल है या प्योर नॉन मेटल है, ये मिक्सचर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये दो तरीके के होते हैं सोल्डरिंग वायर, एक तो होता है लेड सोल्डर वायर और एक होता है लेड फ्री सोल्डर वायर। जो हम यूज़ करते हैं सोल्डरिंग के लिए वो लेड फ्री सोल्डर वायर होता है, जो कि हम टीन, कॉपर, सिल्वर, एंटीमनी से फैक्ट्रीज़ में बनता है और फिर हम तक पहुँचता है। तो दोस्तों लेड फ्री सोल्डर वायर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू लेड सोल्डर वायर, और ये थोड़ा सस्ता भी होता है और इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं अपनी सोल्डरिंग में। तो यहाँ पर दोस्तों ये परमानेंट जॉइंट बनाने के काम में आती है सोल्डरिंग वायर, जिसे हम सोल्डर वायर या फिर फ्लक्स से भी दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर दो तरीके होते हैं सोल्डरिंग करने के, या तो आप सोल्डरिंग आयरन से कीजिए या फिर दोस्तों फ्लक्स में आप डिप करके उसको दोस्तों हीट करके आप सोल्डरिंग कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सोल्डरिंग आयरन जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर हम फ्लक्स वाले तरीके को भी आसानी से काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें सोल्डरिंग वायर के यूज़ की, तो दोस्तों हम इसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, परमानेंट बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी मेटल वर्क पीसेस में हम इस सोल्डरिंग वायर का यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि हम सोल्डरिंग वायर को घर पे कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों सोल्डरिंग वायर जो है ये घर पे बन तो जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप प्रोफेशनली सोल्डरिंग करना चाहते हैं तो आप इसे मार्केट से ही परचेज़ करें। लेकिन दोस्तों अगर आप फिर भी अपने प्रोजेक्ट्स में इसे यूज़ करना चाहते हैं, सोल्डरिंग करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों इसे घर पर बना सकते हैं सोल्डरिंग वायर को। उसके लिए दोस्तों आप एल्यूमिनियम फ्लक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सोल्डर फ्लक्स भी बना सकते हैं अपने घर पर। तो दोस्तों एल्यूमिनियम फ्लक्स के ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं सोल्डरिंग वायर को हम कैसे बनाएं घर पे एल्यूमिनियम फ्लक्स से। तो दोस्तों आगे हम अपने चैनल पे आपको बताएंगे कि कैसे आप कॉपर वायर से, एल्यूमिनियम वायर से घर पर सोल्डरिंग वायर बना सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें सभी के साथ में, ताकि सभी को पता चले कि आखिर ये सोल्डरिंग वायर होती क्या है एक्चुअल में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।